आपको बता दें कि जो रिव्यू पिटीशन यहाँ पर लगाई गई थी वो खारिज, तो निर्भया केस में बड़ा यहाँ पर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो जो रिव्यू पिटीशन यहाँ पर लगाई गई वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो निर्भया केस में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो दलीलें रखी गई दोनों पक्षों की तरफ से, जहां निर्भया का केस लड़ रहे वकील ने साफ तौर पर कहा कि ये दोषी किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं, तो दूसरी तरफ गरीबी का हवाला देते हुए अक्षय के वकील ने कहा कि कहीं ना कहीं दबाव यहां पर बनाने की कोशिश हो रही है, इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है। लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। तो तीन जजों की बेंच ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तो निर्भया मामले में चार दोषियों में से अक्षय ठाकुर ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अपना फैसला जो है तीन जजों की बेंच ने पढ़ना शुरू कर दिया है।